हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूँगी। अभी पूरे कंट्री में जो कोरोना को लेके आतंक फैला हुआ है, वो एक्चुअली हम सबको एक साथ मिलके उसको ओवरकम करनी है। उस कोरोना वायरस का जो है, पूरे वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे इंसान उसमें मारे जा रहे हैं, बहुत सारे मौत हो रहा है, तो उन हमारे इंडिया में भी शुरू हो चुका है। लेकिन लेकिन अगर हम सब साथ में मिलके उनका मुकाबला करते हैं तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। और उनका जो सिंपल सिंपल स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से बार बार बोले जा रहे हैं, उनको प्लीज़ आप लोग भी मान के चलिए। मैं भी मान रही हूँ, जैसे हाथ धोना, अच्छे से साबुन पानी से अच्छी तरह से हाथ धोना, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना कुछ दिनों तक, एटलीस्ट कुछ दिनों तक। सोशल कोई गैदरिंग को अवॉइड करना। अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह को अच्छी तरह से ढक के चलो। अभी मास्क का बहुत क्राइसिस चल रहा है, अगर मास्क नहीं मिल रहा है तो अच्छी तरह से कोई दुपट्टा या ऐसे कोई कपड़ा आपको मिलता है उसको अच्छी तरह से रैप अप करके तभी घर से निकलो। और ऐसे अगर हम लोग सभी करते रहेंगे तो ये कोरोना वायरस को बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब इसको मान के चलो। और अगर घर में कोई बीमार पड़ते हैं, किसी को भी सर्दी ज़ुकाम फ्लू लाइक सिम्टम्स या बुखार ये सब आता है, तो तुरंत अपने आप को सेल्फ आइसोलेटेड करें और नियर बाई हॉस्पिटल को ज़रूर उसके बारे में बताएं, वो लोग स्टेप लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलके सब कोरोना वायरस के मुकाबला करते हैं। तो ये जो पार्सल आप देख रहे हो, मुझे फ्लिपकार्ट से मिला है। वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इसमें भी मैंने, जैसे मेरे लास्ट दो वीडियो में भी मैंने क्रोक का शूज़ का रिव्यू किया था, इसमें भी मैंने क्रोक का घर में पहनने के लिए एक सैंडल ऑर्डर किया है। बस फ़र्क यही है कि यहाँ पे मैंने एक साइज़ ज़्यादा बड़ा ऑर्डर किया है। नॉर्मली मैं 6 साइज़ का यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 7th को जानबूझ के ही मैंने ऑर्डर किया है, ताकि घर में पहनने में मुझे थोड़ा आसानी रहे। और ये मुझे जो सेल अभी चल रहा है, मैंने मार्च 2020 का जो सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट, उसी से मैंने लिया है। तो इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा है मैं डिटेल्स में आपको बताती जाऊंगी। ये आपके सामने मैं इसको अनपैक कर रही हूँ। ये मुझे 950 रुपीज़ में, ये इसका प्राइस मुझे फ्लिपकार्ट के सेल में पड़ा है, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए तो इसको ओपन करते हैं। ये रहा क्रोक का सैंडल। ये जब फ्लिपकार्ट के जो फ़ोटोज़ में मैंने दिखा था वहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा वाइट कलर का ज़्यादा दिखा था, लेकिन ये जब मैंने इसको अनपैक किया है तो मुझे ग्रे ज़्यादा लग रहा है। ये मुझे ग्रे कलर का रिसीव हुआ है, बट एनीवे वाइट से मुझे ग्रे ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर करूँगी। इन लोगों ने इतना ख़तरनाक एक नॉट बांधा है यहाँ पर। इसको ओपन करते हैं। तो जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो शू का पेयर है थोड़ा वाइट दिखेगा। मुझे भी लगा था ये वाइट होगा, लेकिन दिस इज़ नॉट वाइट। एक मिनट गाइस, ये जो नॉट है ये मैं ऑफ का मेरा थोड़ा सा खोल लेती हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया है। बहुत ही ख़तरनाक तरीके से नॉट था, मुझे दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ा। अब प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। दिस इज़ द प्रोडक्ट। जैसे आप देख सकते हो ये ग्रे कलर के है, कलर बहुत ही प्यारा है। रादर फोटोज़ में जो वाइट कलर का दिख रहा था उससे भी ये अच्छा है।
अब साइज़ देखेंगे। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं नॉर्मल, अगर आप मेरे प्रीवियस क्रोक्स सैंडल के रिव्यू में जाओगे, वीडियो में जाओगे, वहाँ पे देखोगे मैंने 6 साइज़ का ऑर्डर किया है। लेकिन इसको मैं घर में पहनूंगी और घर में थोड़ा सा लूज़ अच्छा लगता है हमेशा पहनना, तो मैंने 7 साइज़ का ऑर्डर किया है, बिना जाने कि ये मुझे फ़िट आएगा कि नहीं। वो मेरे लिए एक बड़ा सा चैलेंज है। बाकी ये दिखने में बहुत अच्छा है गाइस, मैं स्पेशली जो वाइट है फ़ोटोज़ में उससे ज़्यादा अच्छा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब इसका साइज़ चेक करते हैं, साइज़ और रिटेल प्राइस देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका प्राइस है 2795 रुपीज़, और मुझे मिला है 950 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छा डील है। और साइज़ इन्होंने भेजा है मुझे 9। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ US और UK साइज़ वाला चक्कर चलता है। अगर आपने जैसे ऑर्डर किया है UK साइज़ 7, तो ये US साइज़ में एज इन 9 आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे होगा, यहाँ पे USW9 लिखा हुआ है, जो है 25.0 सेंटीमीटर। और मैंने एक्चुअली इनका US और UK दोनों अलग अलग साइज़ में आता है। UK साइज़ अगर आपका 7 है तो US साइज़ 9 होता है। वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पार्ट है जो मुझे भी खास समझ नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो शूज़ अगर फिट आता है कि नहीं वही देखना है। इसको ट्राई करके देखते हैं हाउ इट फिट्स टू माय फीट। एक्चुअली अगर ये फिट हो जाता है तो ये मेरे पैर से काफ़ी बड़ा है, जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। काफ़ी बड़ा है, जैसे आप देख रहे हो। इन्होंने मुझे 9 साइज़ भेजा था, अगर 7 भेजता तो शायद अच्छा ही होता। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इनको, अगर मैंने 7 बोला था तो 7 ही भेजना चाहिए था। एनीवे इनको, इन दोनों को तो मैं वापस करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये साइज़ मुझे मैच नहीं हुआ। और लेकिन ये शूज़ बहुत ही अच्छा है, मैं इसको रीऑर्डर करूँगी और देखती हूँ नेक्स्ट टाइम ये साइज़ क्या आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज अगेन। आप लोग कोरोना को डरिए मत, उनको कोरोना को अच्छी तरह से मुकाबला कीजिए, तो हमारे देश में वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।